इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीएसपी सांसद मलूक नागर जी। तीन लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इसे उपलब्धि मानता हूं मेरी, क्योंकि अभी कई दिन पहले मैंने चौधरी चरण सिंह जी के लिए देश की संसद में भारत रत्न देने की मांग की थी और इनके साथ बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को, विजय सिंह पथिक को, राजेश पायलट जी को और मान्यवर काशीराम जी को भी मांग की थी और चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न का अवार्ड मिला है इसके लिए धन्यवाद। सरकार ने अच्छा काम किया, मुझे उम्मीद है आने वाले समय में बाकी लोगों के लिए जो मांग की थी मैंने उनको भी भारत रत्न का एक रास्ता खुला अवार्ड मिलने। स्वामीनाथन जी, जिन्होंने किसानों को लेकर के हमेशा जो है उनकी रिपोर्ट का हर जगह जिक्र होता है, और पीवी नरसिम्हा राव जी देखिए, ये बात तो सच है कि पीवी नरसिम्हा राव ने जिस समय वो प्रधानमंत्री बने और पूरी मेजॉरिटी की सरकार भी नहीं थी और फिर भी जिस तरह उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और मनमोहन सिंह जी को अपने साथ मिला के जिस तरह देश को एक नई दिशा दी और एक नई आर्थिक ऊंचाई की तरफ बढ़ी और डिलाइसेंसिंग और विदेशी पैसा निवेश जो देश में उस समय किया, मेरे हिसाब से तो उनका हमेशा याद रखा जाएगा और उनको भी जो भारत रत्न दिया है हम उनको भी एक अच्छा मानते हैं। हालांकि कुछ पार्टी ये भी कर रही हैं, विपक्षी पार्टी, कि ये चुनावों से 1 महीने पहले इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, फैसले कब लिए जाए, कब नहीं लिए गए, कौन क्या कह रहा है, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि जो डिज़र्व करते हैं उनको अगर दिए गए हैं तो अच्छी बात की हमेशा सराहना करनी चाहिए, बगैर मतलब के खराब बात अच्छी बात में नहीं बोलनी चाहिए। हर बात पर जो है इस तरीके से सवाल नहीं उठाने चाहिए। जो लोग डिजर्व करते हैं अगर उनको दिया जा रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, कहना है बसपा सांसद मलूक नागर का। अंकित गुप्ता, ABP News, दिल्ली।